हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय विशाखास किचन। आज हम होममेड चिकन चीज़ बॉल्स बनाएंगे और उसके लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन मिन्स 500 ग्राम, पेपरिका पाउडर आधा टीस्पून, काले मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, सफ़ेद मिर्च पाउडर एक चौथाई टीस्पून, गार्लिक पाउडर एक बड़ा चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट एक छोटा चम्मच, लेमन जूस एक बड़ा चम्मच, सोया सॉस आधा चम्मच, मोजरेला चीज़ 200 ग्राम और नमक। बैटर और कोटिंग के लिए हमें चाहिए मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लोर एक चौथाई कप, काली मिर्च एक चौथाई टीस्पून, नमक, बेकिंग पाउडर एक टीस्पून, एक अंडा, कोल्ड वाटर, ब्रेड क्रम्स आधा कप, फ्राई करने के लिए तेल। अब चिकन मिन्स लेंगे। मैंने बोनलेस चिकन को मिक्सर में ग्राइंड किया हुआ था। अब इसमें पेपरिका पाउडर डालेंगे। अब इसमें गार्लिक पाउडर डालें और काली मिर्च पाउडर डालें और सफ़ेद मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसमें सोया सॉस डालें। अब इसमें नींबू का जूस डालेंगे। अब इसमें मस्टर्ड सॉस डालें। और इसमें नमक डालें। अब चिकन मिन्स को मसालों में अच्छे से मिक्स करेंगे। आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। अब इसे हम 20 मिनट्स के लिए साइड में रखेंगे। तब तक एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें बैटर बनाएंगे। मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर डालेंगे और कॉर्नफ्लावर डालेंगे। अब बेकिंग पाउडर डालें और एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। और नमक डाल के इसे मिक्स करें। अब इसमें हम अंडा डालेंगे और अंडे को विस्क करेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी मिला के बैटर बनाएंगे। अगर आपको बैटर ठीक लगे तो उसमें पानी ऐड करके बैटर को पतला करेंगे। जिस तरह पैनकेक का बैटर होता है, सेम उसी तरह इसका बैटर बनाएंगे। अब हमारा बैटर रेडी है, इसे हम साइड में रखेंगे। अब हम मोजरेला चीज़ लेंगे और चीज़ को हम क्यूब में कट करेंगे और साइड में रखेंगे। अब हम चिकन चीज़ बॉल्स बनाएंगे। इससे पहले अपने हाथों को थोड़ा सा तेल लगाएंगे ताकि चिपके ना। अब थोड़ा मिश्रण लेंगे और उसे बॉल्स की तरह हल्का शेप देंगे। अब उसके अंदर चीज का एक क्यूब रखेंगे और उसे पूरी तरह से कवर करेंगे चिकन मिन्स से और फिर इसे अच्छे से राउंड शेप देके उसे प्लेट में रखेंगे। अब सेम प्रोसेस से बाकी के चिकन चीज़ बॉल्स बना के रख देंगे। हमने जो बैटर बना के रखा था उसमें हम चिकन बॉल्स को कोट करेंगे। अब चिकन चीज़ बॉल को हम बैटर में पूरी तरह से कोट करेंगे। और इसे ब्रेड क्रम्स में ट्रांसफ़र करेंगे। उसे पूरी तरह से कवर करेंगे। ब्रेड क्रम्स से डस्ट करने के बाद उसे प्लेट में रखेंगे।
और सेम प्रोसेस से हम बाकी के चिकन चीज़ बॉल्स को कोटिंग करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए हम ऑयल गरम करने के लिए रखेंगे। तेल गरम होने के बाद उसमें हम एक एक चिकन चीज़ बॉल्स को डीप फ्राई होने देंगे। और चिकन चीज़ बॉल्स को हम गोल्डन और ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। जब ये पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएंगे तब इसे हम किचन टॉवल पेपर पे निकालेंगे। क्रिस्पी चिकन चीज़ बॉल्स को हम टोमेटो केचप के साथ सर्व करेंगे। चिकन चीज़ बॉल्स इज़ रेडी।